और मोदी गरीब कल्याण पर क्या बोलेगा, मोदी 4 करोड़ घर पक्के घर की बात करेगा, मोदी 50 करोड़ गरीबों के जनधन खातों का हिसाब देगा, मोदी 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन का हिसाब देगा। जब किसान की बात होगी तो मोदी बताएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि के 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं, मोदी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने की बात करेगा, मोदी फसलों की एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का हिसाब देगा। और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अपने मुंह पर पट्टी बांध लेगी। भाइयों और बहनों, आज के दिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी बहुत खतरनाक, मैं दोबारा कहता हूं, बहुत खतरनाक साजिश पर खुद ही मुहर लगा दी है। इतने दिनों से मैं बार बार देश से कह रहा था कि कांग्रेस और उसके साथी बहुत खतरनाक खेल खेलने में जुटे हैं। आज इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े चेहरे ने इस खतरनाक साजिश से नकाब उठा लिया है। ये इंडी अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर बिहार में अभी जेल से बाहर आए हैं। अदालत ने जिनको सजा दी है, आप जानते हैं ना कौन? हाँ, कौन? जी वही चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। और पूरा का मतलब है, अभी पूरा आरक्षण किसके पास है? अभी पूरा आरक्षण एससी के पास है, एसटी के पास है, ओबीसी के पास है, सामान्य वर्ग के गरीबों के पास है। अब ये इंडिया अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। यानी एससी एसटी ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। जिस काम को करने से बाबा साहब आंबेडकर ने रोका था, पूरी संविधान सभा ने रोका था, वो पाप ये कांग्रेस और अगाड़ी वाले करना चाहते हैं। संविधान
धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। अब ये इंडिया अलायंस वाले संविधान बदलना चाहते हैं ताकि अपने खास वोट बैंक को ये खुश कर सके। गरीब एससी एसटी ओबीसी माताएं बहनें युवा इनको पूरी तरह से नकार चुका है, इसलिए अब किसी भी हद तक जाने में जुटे हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग हिंदी में पूछूंगा तो समझ लेंगे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या आप ऐसा होने देंगे? पूरी ताकत से दूर से भी आवाज आनी चाहिए, क्या आप ऐसा होने देंगे? साथियों, इंडी अगाड़ी का कोई हथकंडा जनता के सामने नहीं चल रहा है। ये हताशा सीमा पार भी दिखाई दे रही है। यहां वाली ए टीम हार रही है, इसलिए कांग्रेस की सीमा पार वाली बी टीम एक्टिव हो गई है। सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। बदले में कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चीट दे रही है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे पूछता हूं, पूरे देश से पूछता हूं, महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई में 26/11 का जो आतंकी हमला, वो पाकिस्तान ने करवाया था या नहीं करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया था? हमारे जवानों को किसने शहीद किया था? किसने शहीद किया था? हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएं किसने की थी? अब मजा देखिए, आपको ये सच मालूम है, पूरी दुनिया को ये सच मालूम है, हमारे देश की अदालतें भी फैसला दे चुकी हैं, और तो और पाकिस्तान खुद भी स्वीकार कर चुका है। आतंकियों की फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है,